हेलो बच्चों, अब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। पहले देखते हैं उसका प्रिपरेशन मेथड्स, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। टोटल सिक्स प्रिपरेशन मेथड है, तो उसमें पहला देखते हैं फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स। ये हम तो ये एल्कोहल में पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर हमने प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो बनेगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो ये तो हो चुका है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंड है मेथड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन एंड अल्किन्स, इसका भी हमें ऑक्सीडेशन करना है। अब पहले थे फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अगर हमने यहाँ पे अल्काइल बेंजीन लिया, ठीक है ना, अब ध्यान देंगे ज़रा, इसमें थोड़ी कंडीशंस हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कितनी भी लॉन्ग चेन लिया, आपने कितनी भी लॉन्ग चेन बोल रहा हूँ मैं, अब इसको टेकन फोर कर दिया, कितनी भी लॉन्ग चेन लिया, ये पूरी चेन किस में ऑक्सीडाइज जाएगी। यहाँ पर हम लेंगे KMnO4 अल्कलाइन पोटेशियम पर मैगनेट लेना है हमको। तो ये पूरे चेन किस में, डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट पोटेशियम सॉल्ट बनता है तो उसको कोई जरूरत नहीं, हमको MCQs के लिए चाहिए ना। तो डायरेक्ट याद रखना है कि कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट MCQs से आपसे चल रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर आपने यहाँ पर, हो गया क्लियर, कितनी लॉन्ग चेन हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल, डेगा कितनी लॉन्ग चेन, तो पूरी की पूरी चेन किस में ऑक्सीडाइज होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अगर समझो इसमें दो साइड चेन है मिथाइल मिथाइल, तो सीधी सी बात है यहाँ पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, फैलिक एसिड बन गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप आ गया इथाइल, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो भी कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। लेकिन टर्शरी आ गया तो फिर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नो रिएक्शन, ये ध्यान रखना है, नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन आइटम एबसेंट। यहाँ देखो, ये जो कार्बन है बेंजीन से जो अटैच है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम एबसेंट, इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बाकी सब में ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो ये हो गया फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अब देखते हैं फ्रॉम, इसमें सेकेंड पार्ट है जो फ्रॉम अल्किन, ये क्लियर करे तो आपको मैं, फ्रॉम अल्किन हमने अल्काइल बेंजीन देख लिया, अब देखते हैं अल्किन, इसका भी ऑक्सीडेशन करना है। तो फ्रॉम अल्किन, अब देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने कोई भी अल्किन लिया, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे कैसे करना है इसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा। अगर आपने यहाँ पर लिया अल्किन लिया समझो, ठीक है ना, तो अभी अभी से आपको क्या करना, अल्किन से आप क्या बना सकते हैं, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे एसिडिक, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एसिडिक KMnO4, नहीं तो फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड H+, दोनों को एक लेना है। तो अभी देखो, ये हो जाएगा CH3C, यहाँ पे दो ऑक्सीजन कर दो ऐड, COOH। अब यहाँ पे कार्बन है, इसके दो ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन, तो वाटर, तो यहाँ बन गया आपका CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2। मतलब ये देखना है, अगर ये समझ लो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना, उसके थ्री जो भी होगा दो प्रोडक्ट होंगे। अगर मान लो इधर भी CH3 होता तो दो एसिडिक एसिड, कुछ भी हो सकता है, रिंग लगा दो बेंजोइक एसिड, बात समझ आ रही है कि नहीं, यहाँ रिंग होगा तो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, ऐसा होगा समझ लो C6H5, तो बेंजोइक एसिड बन गया C6H5 बेंजोइक एसिड, देखो तो ऐसा कुछ भी होगा, तो सिंपल टर्म है, ज़्यादा हार्ड नहीं। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो पहला उसमें देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल से, उसका एसिड फिर अल्कलाइन, एसिड लिया हमने, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने वाले, मतलब कि आपको अल्काइल साइनाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, उसमें ऐसे लिया। तो आप देखो यहाँ से क्या होगा, आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर आपको अटैच करने हैं दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ से लिया हमने दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका RCOOH। अब यहाँ बच्चे कितना भी नाइट्रोजन है, अब यहाँ पर कितने, चार हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन लिया, तीन बचे, और आपका यहाँ बचा, ठीक है, तीन हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक एक चार हो गए, चार हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो मुझे NH4Cl हो गया। ठीक है, फिर हमने लिया अल्कल हाइड्रेस, तो अल्कल लेना है डाइल्यूट, तो अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ले, तो यहाँ पे क्या करो, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो, एक ऑक्सीजन, तो RCOONa, अब बचा के दो और एक तीन हाइड्रोजन इसमें अटैच किया, तो अमोनिया बन गया।
और सेकेंड स्टेप में उसका एसिडिफिकेशन कर दो, तो ये आपका जो एच यहाँ पे आ जाएगा, एन ए यहाँ पे आ जाएगा, तो बन गया कार्बोक्सिलस एन ए सी एल, हो गया। अब जो भी आर लेंगे उससे सबसे प्रोडक्ट बन जाएगा, एच लिया तो फॉर्मिक एसिड, सी एस लिया तो एसिडिक एसिड, वैसे यहाँ पर एच लिया तो सोडियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल करते जाइए। अब लिया हमने अमाइड, यहाँ एरोमेटिक ले सकते हैं, एलिफेटिक ले सकते हैं, तो अभी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से इसका ओ एच इस एन एच टू रिप्लेस, एन एच टू यहाँ पर आ जाएगा, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक, मतलब बेंजोइक एसिड बन गया एन एच टू, और यहाँ के बचे हुए अभी एक एक दो एन एच फोर और एक सी एल, एन एच फोर सी एल बन गया, फिनिश कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके अब देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम ड्राई आइस, मतलब सॉलिड सी ओ टू, यहाँ आएगा आपका बाय कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट। देखा अभी, अब हमें यहाँ पे लिया ड्राई आइस मतलब सॉलिड सी ओ टू, तो अभी ये जो इसका जो ग्रिग आर जो है, आर यहाँ पे अटैच इस कार्बन के साथ, एम जी एक्स इस ऑक्सीजन के साथ अटैच, और इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो अब यहाँ पर आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बन गया, ये आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसको एसिड, अब हम क्या करेंगे इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो अब यहाँ से ओ एम जी से ब्रेक होगा, ओ माई गॉड यहाँ से याद रखना, ओ एम जी से ब्रेक, तो वाटर का ओ एच यहाँ पे अटैच और एच पार्ट यहाँ पे अटैच, तो क्या बन गया आर सी ओ ओ एच बन गया और एम जी एक्स ओ एच हो गया। अब चाहो तो एलिफेटिक बना था, एलिफेटिक या एरोमेटिक, ये आर आपने क्या लिया एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, यहाँ पे आर हो जाएगा वही, तो एरोमेटिक बना सकते हैं और एलिफेटिक बना सकते हैं वैसे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड, यहाँ भी आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, तो उसमें पहले थे फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तो अब हमने यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक असाइल डायरेक्ट ले लिया मैंने, तो अभी क्या होगा यहाँ का जो एच है इधर ओ एच सॉरी ओ एच इधर आ जाएगा और ये सी एल इधर आ जाएगा, आपका बन गया क्या ए आर नहीं तो आर सी ओ ओ एच बन गया कार्बोहल, एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोहल और सी एल वहाँ जाके एच सी एल बन जाएगा, ठीक है। इससे लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड इज अननोन, ध्यान रखना है फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है एच सी ओ सी एल जो रहेगा ये अननोन है, इसलिए फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। फिर फ्रॉम एसिड अनहाइड्राइड, तो इसको हमने हमने क्या किया एसिड अनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर वाटर का ओ एच अटैच और यहाँ पर एच अटैच, तो बन गया आर सी ओ ओ एच आर सी ओ ओ एच टू मोल्स ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। इससे भी फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा क्योंकि फॉर्मिक अनहाइड्राइड इज अननोन, देखो ये अननोन है इसलिए नहीं बनेगा, ये अननोन है इसलिए नहीं बनेगा, यहाँ पर भी अननोन था नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके अब सिक्स्थ एंड फाइनल प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम इस्टर्स बाय हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो अभी आपने इस्टर लिया तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वाटर का ओ एच पार्ट यहाँ पे अटैच और वाटर का एच यहाँ पे अटैच, तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अब यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है ए आर यहाँ पे अराइल अराइल यहाँ पे अराइल यहाँ पे अराइल, ध्यान देना है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब अल्कलाइन तो दो स्टेप जाएगा, तो हमने लिया ईस्टर, ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया क्या, तो एन ए ओ जो है अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे आपको अटैच होगा एन ए ओ और यहाँ पे एच, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, अगर एरोमेटिक तो फिनॉल भी हो सकता है वहाँ पर, तो अब उसको यहाँ पे लिया तो देखो अभी ये एच यहाँ पर आ गया एन ए यहाँ पर आ गया, तो बन गया कार्बो ऑक्सिलिक एसिड सोडियम क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पे एलिफेटिक लो या फिर एरोमेटिक लो तुम्हारे पर डिपेंड है, तो एग्जाम्पल तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए पूरे, ठीक है। तो कर लीजिए इसको नोट डाउन, प्रिपरेशन हो गया कम्प्लीट। ओके अब देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टी को फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, तो पहला लिखा है मैंने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, दूसरा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तीसरा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सी ग्रुप और चौथा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है ना। तो अब उसमें पहला देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, तो उसमें फर्स्ट है एसिडिक प्रॉपर्टी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है वीक एसिड, क्योंकि ये स्लाइटली आयनाइज होता है वाटर में, देख लो तो कार्बो ऑक्सिड आयन और एच प्लस, और ये एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बो ऑक्सिलेट, वो मैंने सामने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको देखना है यहाँ पर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है किसके कंपेरिजन में डायल्यूट मिनरल एसिड,
क्योंकि मिनरल एसिड जो होते हैं जैसे HCl, H2SO4, तो ये ज़्यादा आयनाइज होते हैं इसके कंपेरिजन, उसके लिए वो ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक हम कंपेयर करते हैं पहले अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल देखेंगे तो उसका अल्कोऑक्साइड आयन, उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, देखो उसलिए मोर एसिडिक होगा अल्कोहल से। अब फिनॉल से कंपेयर करते हैं उसको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके बन रहे 2 ही, लेकिन इसमें एक फैक्टर बहुत बड़ा है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बोक्सिलिक आयन में जो है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए ये ज़्यादा डोमिनेट हो गया, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबलाइज देन फिनॉक्साइड आयन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव, सब ये शो कर रहा है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये उससे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव शो कर रहा है, तो एसिडिक क्या होगा, कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा कार्बोक्सिलेज का। देखो फॉर्मिक एसिड मोर एसिड देन एसिडिक एसिड, एसिडिक मोर एसिड देन प्रोपिनिक एसिड, ऐसा जितने ज़्यादा आप कार्बन बढ़ा जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, उसके फिर अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि आपका देखो ये क्लोरीन 3 है यहाँ पर, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होते जाएगा। देखो तो इसका सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि 3 है, ठीक है, इसका 2 उससे कम हो गया, इसमें 1 और कम हो गया, इसमें बिल्कुल नहीं है, तो ये सबसे कम हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो अब देखो अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी डिक्रीज, जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाया, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आपका फ्लोरो एसिडिक एसिड, तो ज़्यादा फ्लोरो इथेनोइक एसिड, क्लोरो इथेनोइक एसिड, ब्रोमो इथेनोइक एसिड, आयोडो इथेनोइक, तो ये एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आपका जो फ्लोरीन ज़्यादा अटैक कर रहा है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा अटैक कर रहा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा अटैक कर रहा है आयोडीन से, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको याद रखना है यहाँ पे एरोमेटिक वैसी है, अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है रिंग में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देखो पूरा पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, देखो अपनी तरफ पुल कर रहा है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप बहुत सारे एग्जांपल है इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्लोरीन बहुत सारे एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट जैसे कि मिथाइल, ठीक है ना, एल्कोक्सी ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, तो उससे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है दोनों के बीच में, तो ये स्लो डोनेट होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन जितना फास्ट होगा उतना एसिडिक होगा, तो यहाँ फास्ट होगा या स्लो होगा, यहाँ क्या हो रहा है आपका फास्ट डोनेट हो रहा है इधर, और यहाँ पे स्लो डोनेट हो रहा है, देख लीजिए ऐसा। ठीक है, उसके बाद फिर याद रखना है लार्जर द वैल्यू ऑफ के, मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, तो क्या होगा, स्ट्रॉगर इज एसिड एंड वाइस वर्सा, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उसका। उसके बाद फिर देखना स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीके, पीके की वैल्यू जितनी कम होगी तो क्या होगा, स्ट्रॉगर इज द एसिड एंड वाइस वर्सा। उसके फिर देखो अगर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप से फिनाइल ग्रुप है या फिर आपका क्या है ये विनाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये भी ऐसे ही कर रहा है इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, पुल कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और इंडक्टिव फैक्टर डिक्रीज ऑर्डर लिख रखा है CF3NO2 साइनाइड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाएंगे, ये ज्यादा लगाएंगे और इसमें कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ये कम करेगा, ऐसा इसके लिए है। तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स, इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन, मतलब सॉल्ट बनने वाला है। तो हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम जिंक जो भी है लेना है, तो उससे बनेगा आपका क्या, यहाँ बनेगा आपका क्या मेटल, मतलब सॉल्ट बन रहा है, जैसे कि आपने सोडियम मेटल लिया तो सोडियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम कार्बोक्सिलेट, और हाइड्रोजन गैस वाले। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप लेते हैं मोनो वैलेंट मेटल लिया तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, डाइवैलेंट मेटल लिया तो 1 मोल, और ट्राइवैलेंट मेटल लिया तो 1.5 हाइड्रोजन गैस वाले होगा, ध्यान रखना मोनो वैलेंट हाफ मोल, डाइवैलेंट 1 मोल,
और ट्राइवेलेंट 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉट होगा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर रिएक्शन विथ अल्कलीज, इसमें भी सॉल्ट बनने वाला है, अल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, तो कुछ नहीं किया है, ये Na इस H को रिप्लेस करेगा, यहाँ से ये इधर आएगा, यहाँ भी वही हुआ है, M इस H को रिप्लेस कर H इधर आएगा, ठीक है ना, तो ये K इधर आएगा H इधर आएगा, तो क्या बना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड और वाटर, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड वाटर, सिंपल रिएक्शन से। फिर रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यहाँ भी सॉल्ट फॉर्मेशन है, तो सोडियम कार्बो लिया तो दो सोडियम दो एच को रिप्लेस करेंगे, दो एच वहाँ पे आ गए, तो बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी इवॉल्व होने वाली है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिया तो सोडियम इस एच को रिप्लेस करें, एच यहाँ पे आ गया, तो बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड वाटर एंड सीओटू गैस वाटर, कर लीजिए नोट डाउन, एक प्रॉपर्टी कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसमें भी चार रिएक्शन है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड, अब हमने ये अल्कोहल की सिमिलर रिएक्शन, देखो हमने थाइल क्लोराइड लिया तो क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करेगा, ये OH यहाँ पे आ गया, तो अब हमने यहाँ पर प्योर असाइल क्लोराइड SO2 बाय प्रोडक्ट और HCl बाय प्रोडक्ट, तो दोनों गैसेज इसलिए बाहर दोनों निकल जाएंगे और क्या बनेगा, प्योर असाइल क्लोराइड, देखो सिमिलर है अल्कोहल के। फिर यहाँ भी देखो PCl3 के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ भी 3 लिया, तो इधर भी PCl3 लिया ना, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो इधर भी 3 किया, तो 3 OH यहाँ पर आ गया, बन गया यहाँ पर RCOCl और H3PO3, वहाँ भी फिक्स है बाय प्रोडक्ट H3PO3, ठीक है। आप क्लोरीन से OH को रिप्लेस करो, OH यहाँ पर आ गया और बन गया असाइल क्लोराइड POCl3HCl, देखो सिमिलर रिएक्शन। देखो फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, तो हम क्या करते हैं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भी हम ईस्टरीफिकेशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और बन गया ईस्टर। तो वाटर में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आता है, आपको याद रखना है अल्कोहल से, और OH कहाँ से आएगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसको फिशर ईस्टरीफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, जब आप यहाँ लेते हैं H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर आपने HCl लिया तो उसको स्फीयर ईस्टरीफिकेशन हो सकती है, स्पीयर ईस्टरीफिकेशन ऐसा नाम आ सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड, तो हमने क्या किया, 2 कार्बोऑक्सिलिक एसिड लेना, उसमें से वाटर निकाल देना और उसको हीट करना है आपको फॉस्फोरस पेंटोक्साइड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, तो यहाँ से वाटर निकल गया, बन गया आपका एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है ना, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं बेस्ट एसिड टिक अनहाइड्रेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एसिडिक अनहाइड बनाने में रिएक्शन रिवर्स हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एसिटिल क्लोराइड और सोडियम एसिटेट लेना, तो NaCl निकल गया, बन गया आपका ये, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते, तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो बेस्ट मेथड ये एसिड बनाने की। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइड 4th, उसमें तो उसमें देखते हैं पहला फ्रॉम कार्बोऑक्सिलिक एसिड, तो हमने क्या किया कार्बोऑक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से ये H को यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो NH4 हो जाएगा, तो RCOONH4 यह बना का अमोनियम कार्बोऑक्सिलेटाइन, उसको हीट किया तो वाटर बाहर निकला, बना एसिड अमाइड। फिर हमने क्या किया दूसरा मेथड लिया इसका फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तो असाइल क्लोराइड को अमोनिया से रिएक्ट किया, तो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफाइल थी, इसको रिप्लेस करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो बना आपका एसिड अमाइड और HCl बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको ऐसा कर लेना है, अमाइड बनाने की मेथड हो गई, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं इसमें थर्ड कैटेगरी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सी ग्रुप, तो ये रिएक्शन आपके पढ़े हुए हैं, ये अल्केलिन पढ़ा हुआ है, ये आपका अल्कोहल में देखो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, मतलब रिडक्शन करेंगे तो ये कार्बोक्सी ग्रुप रिड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनेटेड, ये कैटेलाइटिक रिडक्शन से नहीं होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट से नहीं होता, ये सिर्फ लिथियम एल्यूमिनेटेड या फिर डाइबोरिन से होगा। डाइबोरिन किसको रिड्यूस नहीं करेगा, याद रखना है, नाइट्रो ग्रुप को नहीं करेगा रिड्यूस, हेलो को नहीं करेगा और ईस्टर ग्रुप को नहीं करेगा, इन ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता डाइबोरिन, ठीक है ना। और आपका देखो कार्बोक्स ग्रुप किस रिड्यूस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा कार्बोक्स मतलब CH2OH ग्रुप में, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में, हो गया ये रिपीट है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डी कार्बोक्सिन, ये 11th में अल्केन में हमने पढ़ा हुआ है, हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट किया तो बनेगा अल्केन, तो यहाँ से R को छोड़ दो, यहाँ से H को छोड़ दो, ये बन गया आपका बाय प्रोडक्ट Na2CO3 और NRH अल्केन बन गया। अब लास्ट कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो इसमें दो रिएक्शन है, पहला है अल्फा हेलोजिनेशन जिसको बोलते हैं हेल वोलार्ट जिलिस्की रिएक्शन, मतलब शॉर्ट में HVZ रिएक्शन, तो इसमें
अल्फा का हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर फंक्शन करता है फर्स्ट कार्बन अल्फा, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा, तो ये हेलोजन इस एच को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, ये एच इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेलोजन कौन सा होना चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये भी ध्यान रखिए आप। तो यहाँ बनेगा आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बनेगा क्योंकि एक और एच है अल्फा, जब तक एच है तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है ना, ये आप कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें सेकंड है रिंग सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें नाइट्रेशन देखते हैं पहले। तो अभी आपके आते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो मेटाडायरेटिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटाडायरेटिंग। तो अभी यहाँ पर देखो नाइट्रोनियम आयन जो रहता है ये कहाँ पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन, इसको रिप्लेस कर देगा, बन गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमीन भी क्या करेगा, ब्रोमोनियम आयन जो रहेगा वो इस एच को रिप्लेस, एच यहाँ पे आएगा, बनेगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड और HBr। और फिडरक्राफ्ट रिएक्शन से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि उसमें जो कैटलिस्ट होता है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके बाद क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड हो जाता है। यहाँ लिख दिया उसके वर्ड्स में, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फिडरक्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, चलो पढ़ते रहिए इसको आप।